मूवी की शुरुआत 1810 के समय में यूक्रेन के जंगल से होती है, जो बहुत ही डरावना और घना था, जिसके अंदर में एक बुरी शक्ति उसे रक्षा करने वाला मॉल्फर को भागते हुए देखते हैं, जो किसी से बचते हुए भाग रहा है, जो भागते हुए अपने जादू से एक घेरे को बनाता है। लेकिन यहाँ देख पाते कि जो उस मॉल्फर का पीछा कर रहा था वो एक बहुत ही भयानक डीमन था, जो उस मॉल्फर के जादुई घेरे को आसानी से तोड़कर उसका पीछा करने लगता है। उधर मॉर्फल भागते हुए एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है और फिर अपने हाथ पर एक चाकू से घाव करके अपनी पूरी शक्ति को एक रिंग में बदल देता है, जिसे वो तुरंत पेड़ के अंदर छिपा देता है। और तभी उसके पीछे वो भयानक डीमन आ जाता है, जिसके पास बहुत सी जादुई रिंग्स थी, जो देखते ही देखते उस मॉर्फल को मार डालता है। अब मूवी प्रेजेंट समय की एक यूनिवर्सिटी की तरह मुड़ जाती है, जहाँ दो दोस्त वन्या और वोवा बातें कर रहे होते है। तभी वह एंजेला आती है, जिसे देखते ही पहली नजर में वेनिया को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद उनके प्रिंसिपल जाकर नाम के लड़के से उनको मिलाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट्स को एक ब्लाइंड प्रोफेसर कल्चर और सभ्यता के बारे में बताते हैं, जिस दौरान जाकर को ये पता चलता है कि वन्या एंजेला की नोट स्केच बनाकर अपनी किताब में रखता है। इसी दौरान वो वन्या को बताता है कि एंजेला का बॉयफ्रेंड आर्थर बहुत ही गुस्से वाला है, इसलिए वो वन्या को उससे बचकर रहने का सुझाव देता है। अब अगले दिन वन्या कॉलेज के बाहर देखता है कि जाकर, लीना और रूटा स्मोकिंग कर रहे, पर जाकर लाइट से आग नहीं जला पाता और फिर उनकी बातों में आकर वन्या भी स्मोकिंग करता है। पर जैसे वो स्मोकिंग करता है, उसे लगता है जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो, इसलिए जाकर उसे संभालता है, जिसकी बात सभी क्लास में लौट जाते है। लेकिन दुर्भाग्य से वन्या स्लिप करके नीचे गिर जाता है, जिससे आर्थर को उसकी और एंजेला की नोट स्केचेस मिल जाती है, जिससे वो एकदम भड़क जाता है और वन्या को धक्का दे देता है, जिससे वन्या वहाँ पर रखे हुए ओल्ड मैजिकल रिंग से टकरा जाता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है, जिसी के कारण उसका खून उस रिंग को लग जाती है, जिसकी तुरंत बाद वहाँ से वो मैजिकल रिंग भी गायब हो जाता है, जिसके लिए प्रिंसिपल और प्रोफेसर आर्थर को ब्लेम करते है और उसका पता लगाने के लिए कहते है। इसलिए आर्थर सभी का बैग चेक करने लगता है, जहाँ उसे वन्या के पिता का तस्वीर मिलता है, जिसके ऊपर वो उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वन्या को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए दोनों में फाइट हो जाती है। लेकिन जाकर कैसे तो उन दोनों को भी शांत करता है। इसके बाद वन्या अपने घर आ जाता है, पर रात होने पर अनजान कारण से उसके दरवाजे पर प्रोफेसर आते है। यहाँ वन्या उन्हें समझाता है कि उसने उस मैजिकल रिंग को नहीं लिया, जिस पर अब प्रोफेसर रिवील करते हैं कि वो मैजिकल रिंग खून लगने से उसके ही शरीर के अंदर समा गया, जो बुरी शक्तियों से सभी को बचाने वाले ग्रुप को बिलोंग करता है। और जब वो डीमन किताब लेने आया, तब वो लाइब्रेरी में था, जहां पर हर तरफ आग ही आग था, और तब उसके पिता ने उन्हें बचाया, लेकिन वो खुद उस आग में नहीं बच सके। वो अब वन्या को एक किताब दिखाते है, जिसका आधा ही भाग था, जहाँ वन्या को उस किताब का दूसरा भाग ढूंढना था। पर उसी दौरान वन्या को डीमन की एक झलक दिखाई देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश है। अब अगले दिन जब वन्या को होश आता है, तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां पर वो वन्या को बताता है कि सभी लोगों के शरीर पर अजीब से निशान बन गए। वहीं वन्या अपनी एक्सरे रिपोर्ट देखकर एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि उसे वो मैजिकल रिंग उसके दिल के पास दिखाई देती है। इसलिए वो वोवा से ब्लाइंड प्रोफेसर को खोजने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रूटा आर्थर और लीना से वीडियो चैट करती है, और तभी उसे अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे में हो, जिससे डरकर वो अपने हाथ में एक चाकू ले लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस कमरे में एक काला साया उसका पीछा कर रहा है, और फिर देखते ही देखते वो साया उसके शरीर में घुस जाता है, जिससे रूटा की आंखें बहुत ही डरावनी हो जाती है, और फिर वो आर्थर से बात करते हुए चाकू को अपने दिल में घुसा लेती है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिसे देखकर आर्थर और लीना एकदम डर जाते है। उधर वन्या एंजेला के घर आता है और उसे बताता है कि वो मैजिकल रिंग उसके दिल के अंदर है, और उसे डरावने डीमन के बारे में भी पता है। फिर दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर उन्हें आर्थर, लीना और जाकर भी मिल जाते हैं। वो सभी अब प्रोफेसर के पास जाते हैं, जहाँ पर वन्या प्रोफेसर को उस किताब का दूसरा भाग देता है। तब प्रोफेसर उन सभी को बताते कि प्राचीन काल में जब बुरी शक्तियाँ सभी को नुकसान पहुँचा रही थी, तब सभी की मदद के लिए 9 मॉर्फर्स जो मैजिक जानते थे, उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से बुरे डीमन को कैद कर दिया।
लेकिन उनमें से कोई डीमन अब कैद से निकल गया है। पर वो ये कहानी शेयर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर को बुरे डीमन के होने का एहसास होता है, जिससे बचने के लिए वो उन सभी को उस किताब को एक मॉल्फर के पास ले जाने के लिए कहते हैं, जिससे उन सभी का जान बच सकता है। पर तभी वो डीमन प्रोफेसर के दिल में उनकी स्टिक को घुसा देता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर आर्थर, लीना, जाकर, यूलिया, वोवा, एंजेला और वन्या सभी एक कार में बैठकर उस मॉल्फर की तलाश में निकल जाते हैं और शहर से दूर एक गैस पंप पर फ्यूल भराते दौरान वहां के मालिक से मॉल्फर का पता पूछते हैं, जो उन्हें जंगल के बीच एक एड्रेस बताता है और एक नक्शा भी देता है ताकि उन्हें वहां पर पहुंचने में आसानी हो। पर तभी वहां एक ट्रक ड्राइवर आ जाता है जो जाकर से टकरा जाता है और फिर वो ट्रक ड्राइवर शॉप के अंदर अचानक से आर्थर का गला दबाकर मारने लगता है। तब उस शॉप का मालिक अपनी शॉटगन फायर करता है और ट्रक ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद ये सभी नक्शा लेकर मॉर्फल की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद यूलिया, वोवा और आर्थर कार में मस्ती करने लगते हैं, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उनकी कार एक पत्थर में फंस जाती है। वो सभी अब जंगल में पैदल ही आगे बढ़ने का तय करते हैं, पर लीना उनके साथ आने से मना कर देती है और कार में ही आकर बैठ जाती है। उधर जंगल में उन सभी को एक आदमी दिखाई देता है जो मैजिक की मदद से पेड़ से मिल्क निकाल रहा था, जिसे देख डर के मारे सभी छिप जाते हैं। पर फिर अचानक से वहाँ लीना उस आदमी के सामने आ जाती है और अब वो आदमी लीना को देखते ही उसकी तरफ तेजी से भागता है, जिससे डर कर लीना जंगल में भागने लगती है, जिसे बचाने के लिए अब उसके दोस्त भी उसकी तरफ भागते है। पर भागते हुए वोवा के पैर में लकड़ी का एक टुकड़ा घुस जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ यूलिया सभी से अलग हो जाती है और उस आदमी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। पर तभी वहाँ पर वो काला साया नजर आता है, जो पेड़ की एक डाली को यूलिया के पेड़ में घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद आर्थर वहाँ पर आता है, जो जूलिया की लाश को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वहीं उधर वन्या वोवा के पैर से लकड़ी को निकाल देता है, जिस भयानक दर्द में वोवा चीख पड़ती है। और इसी दौरान उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है, जो उन सभी को सुरक्षित अपने घर ले जाता है। वो सब अब बुजुर्ग के घर पर थोड़ा आराम करने के बाद आर्थर और जाकर मॉल्फर का खोज जारी रखने का तय करते हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले अपनी कार के लिए निकल जाते हैं। वहीं उधर वो बुजुर्ग वन्या को बताता है कि वो उसकी दिल की आवाज सुन सकता और उसके मैजिकल रिंग को भी देख सकता है, जिसके बाद वो वोवा का घाव ठीक करने के लिए उसके आगे बढ़ता है। पर वोवा उनके हाथ में चाकू देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन सभी कैसे तो उसे शांत करके समझाते हैं और तब वो बुजुर्ग अपने चाकू की मदद से वोवा के घाव को मैजिक से ठीक कर देता है, जिसे देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। फिर वो उन सभी को फान के फूल के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली है। वहीं जंगल में आर्थर और जाकर का उस गैस पंप के मालिक से सामना होता है, जो उन दोनों को ब्लाइंड प्रोफेसर का हत्यारा समझने लगता है, इसलिए वो उनके तरफ शूट करने पड़ता है। पर आर्थर चालाकी से उसका गन छीन लेता है, तब जाकर आर्थर को समझाता है, लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होकर उसे ही शूट कर देता है और फिर दूसरे आदमी को भी शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो बुजुर्ग वन्या से किताब के दोनों भाग को लेकर अपने मैजिक से जोड़ देता है, लेकिन तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है, जिससे डरकर वो सभी जंगल में भाग रहे थे। तब वो बुजुर्ग उन्हें बताता है कि यही वो मॉल्फर है जिन्हें तुम सभी ढूंढ रहे हो। वन्या अब उस मॉल्फर को उसके शरीर से मैजिकल रिंग को बाहर निकालने के लिए कहता है। तब मॉल्फर उन्हें बताता है कि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो उस रिंग को उसके शरीर से निकाल सके, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। इसके बाद वो बुजुर्ग उस मॉर्फल से कहता है कि आज की जनरेशन बहुत बुरी बन चुकी है, लेकिन उनमें से अभी भी कुछ लोग अच्छे हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो उस मॉर्फल को उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। उधर सभी जंगल में बने एक अनजान घर में आराम करने का तय करते हैं, जहाँ पर आर्थर भी कार लेकर पहुंच जाता है, जिससे अब सभी जाकर के बारे में पूछते हैं। आर्थर उन्हें बुरी खबर दे देता है कि गैस पंप के मालिक ने उसकी जान ले ली, पर वो उससे किसी तरह बचकर भाग निकला। अब इसके कुछ देर बाद वन्या और एंजेला बाहर आकर कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी वहां पर वन्या को मॉल्फर दिखाई देता है, जो उसके साथ चला जाता है और फिर उसे खोजने के लिए एंजेला भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, लेकिन घना जंगल और रात होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जब आर्थर और लीना रोमांस में बिजी होते हैं, तभी अचानक से वो काला साया आर्थर पर हमला करके उसकी जान ले लेता है, जो देख अब जान बचाकर लीना जंगल की तरफ भागती है।
तभी उसे जंगल में एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है जिससे लीना मदद की विनती करती है, पर दुर्भाग्य से वो वही ट्रक ड्राइवर था जिसने आर्थर की जान ली, जिसे देखते ही लीना वहाँ से भी भाग पड़ती है, पर अब वो ट्रक ड्राइवर एक्सली उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्फर वन्या को उन बुरी शक्तियों और डीमन के बारे में बताता है कि वो मैजिकल रिंग डीमन को आजाद करने की सिर्फ चाबी ही नहीं बल्कि एक हथियार भी है और डीमन इसी मैजिकल रिंग को पाना चाहता है। दूसरी तरफ लीना ट्रक ड्राइवर से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाती है, पर वो ट्रक ड्राइवर जिसके अंदर डीमन घुसा हुआ था उसे समझ आ जाता है, इसलिए वो पेड़ को ही काट कर नीचे गिरा देता है और फिर आखिर में लीना की जान लेने के बाद उसके शरीर को अपने ट्रक में रख देता है। दूसरी तरफ वॉल्फर वन्या को एक और शॉकिंग जानकारी देता है कि वो डीमन उनके साथ ही यहाँ पर आया है और वो कोई और नहीं बल्कि जाकर ही है। ऊपर से तभी वहाँ पर वही डीमन प्रकट हो जाता है जो दिखने में बहुत ही डरावना था, पर मॉल्फर ने घर के दरवाजे पर मैजिक से एक दीवार बनाया था जिससे वो डीमन अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन वो डीमन अब अपनी शक्ति से वान्या को घर के बाहर खींचता है, इसलिए अब मॉल्फर भी डीमन पर टूट पड़ता है और अब वो डीमन एंजेला को मारने पड़ता है। तब वान्या उसकी जान बचाने के लिए उसे वो किताब दे देता है, पर फिर वो डीमन पीछे से मॉल्फर पर हमला कर देता है जिससे मॉल्फर बेचारा वहीं मारा जाता है। उधर जंगल में वो उस ट्रक ड्राइवर को लीना के शरीर को ट्रक में रखते हुए देख लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ट्रक ड्राइवर भी मोवा को देख लेता है, इसलिए वोवा अपनी जान बचाते हुए कार लेकर भागने लगता है, पर अब वो ड्राइवर भी ट्रक लेकर वोवा का पीछा करता है। वोवा भी फिर चालाकी से उस ट्रक ड्राइवर का दुर्घटना करवा देता है जिससे वो ट्रक ड्राइवर दुर्घटना में मारा जाता है। उधर वो डीमन वन्या और एंजेला को लेकर उस जगह पर आता है जहाँ पूरे डीमन कैद किए हुए थे। वो डीमन अब उस मॉल्फर के चाकू से वहाँ पर एक मैजिकल डोर ओपन करता है जहाँ पर वो किताब को रखकर उस पर सभी रिंग्स को रख देता है, लेकिन तभी वन्या उस डीमन पर हमला कर देता है जिसकी बाद दोनों में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। डीमन अपनी बुरी शक्ति से एंजेला पर हमला कर देता है जिससे एंजेला दर्द से तड़पने लगती है। तब वन्या उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी जान बचाने के लिए मॉल्फर के चाकू से अपने हाथ पर घाव करके अपने अंदर से उस रिंग को निकाल कर उस किताब पे रख देता है जिससे सभी बुरी शक्तियां आजाद हो जाती है, जिन्हें पाकर वो बुरा डीमन और भी डरावना और खतरनाक बन जाता है, जिसके बाद वो मॉल्फर के चाकू से वन्या की ही जान ले लेता है। इसके बाद अब वन्या अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है जहाँ पर 9 मॉल्फर्स रहते थे। उन सभी को वन्या बताता है कि उसने डीमन को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो बहुत ही ताकतवर है। तब उनमें से एक मॉल्फर वन्या को समझाता है कि उसे ही बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए चुना गया है क्योंकि वो ही अगला मॉल्फर है। वो ये भी शेयर करते कि जब तुम डीमन पर मॉल्फर की चाकू से हमला करोगे तब तुम्हें लाइट टू लाइट कहना है जिससे उस डीमन की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएगी और फिर वो फान की फूल की शक्ति से मारा जाएगा, जिसके बाद वो मॉल्फर फान के फूल की शक्ति से वन्या को वापिस जिंदा कर देते है, जिसे जिंदा देकर वो डीमन उस पर फिर से हमला कर देता है और अब दोनों में फिर से एक भयानक लड़ाई होती है। लेकिन इस बार वहाँ वोवा भी आ जाता है जो पीछे से डीमन के ऊपर एक्स से हमला कर देता है, पर इस गुस्से में अब वो डीमन उसे मारने पड़ता है, लेकिन वोवा बहुत ही चालाकी से मॉल्फर की चाकू को उसके पेट में घुसा देता है, जिसके बाद वन्या भी लाइट टू लाइट कहता है और फिर उस चाकू को डीमन के और अंदर घुसा देता है, जिससे वो भयानक शैतान फान की फूल की शक्ति से अग्नि में जलने लगता है, जिससे आखिरकार वो मारा जाता है। जिसे खत्म होता देख वन्या, एंजेला और वोवा बहुत खुश होते और फिर अपने घर लौट आते। इसके बाद हम फिर से यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर फिर से एक स्टूडेंट का ब्लड क्लास में रखी हुई जादुई मैजिकल रिंग को गलती से छू जाती है, जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर एंडिंग देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इसका अगला पार्ट भी बनेगा जो किसी और शैतानी कहानी पर आधारित होगा। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।